हेलो स्टूडेंट्स, मैं हनुमान चौधरी, प्रवक्ता यांत्रिकी अभियांत्रिकी जीपीसी हनुमानगढ़। अपना टॉपिक चल रहा था कंट्रोल चार्ट्स। अब तक के दो वीडियो में अपन देख चुके हैं कि क्वालिटी क्या है, कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, इंस्पेक्शन क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम में क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं। उसके अलावा अपन ये टॉपिक्स देखे थे और टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल देखा था, कंट्रोल चार्ट देखा था क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट देखा था। उसमें अपन ने मीन चार्ट यानी एक्स बार चार्ट, रेंज चार्ट यानी आर चार्ट ये पढ़ा था। तो आज अपना टॉपिक है सी चार्ट क्या है, पी चार्ट क्या है, वो देखेंगे। कंट्रोल चार्ट का अगला चार्ट है पी चार्ट। पी चार्ट को एक प्रॉब्लम से समझेंगे। मान लो कोई प्रोडक्शन सिस्टम है या कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कोई एक टाइप का कोई प्रोडक्ट बना रहा है। मेरा काम क्या है, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसकी जांच करना और फाइनल देखना है कि प्रोडक्शन सिस्टम कैसा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले दिन मैं गया और रेंडमली जितने भी प्रोडक्ट बने थे उसमें से 720 प्रोडक्ट उठाए, जांच करी तो 47 प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकले। नेक्स्ट दिन गया, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट मैंने अब की बार कितने उठाए, जो सैंपल साइज लिया था वो मैंने कितना उठा लिया, 764, उसमें से 83 प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकले। अगले दिन 753 प्रोडक्ट लिए मैंने, उनमें से 71 प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकले। नेक्स्ट डे 743 प्रोडक्ट उठाए, उनमें से 84 प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकले। ये प्रोसेस मैं करता जा रहा हूँ। कितने दिन तक किया मैंने, 20 दिन तक ये काम किया मैंने। और एक तो मैं जो सैंपल साइज ले रहा हूँ, यानी जो प्रोडक्ट जांच करने के लिए ले रहा हूँ, वो फिक्स नहीं है। यानी ये समझ लो पी चार्ट में जो सैंपल साइज ले रहे हैं वो फिक्स नहीं होता। तो सबकी जाँच कर ली, 20 दिन में मैंने जितने भी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन किया था उन सबको टोटल कर दूंगा और नंबर ऑफ डिफेक्टिव जितने भी थे 20 दिन में उन सबको ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद में अब मेरा काम क्या है, प्रपोर्शन डिफेक्टिव निकालना। वो कैसे निकलेगा, जैसे कि देखो नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्ट्स इंस्पेक्टेड, जैसे कि 47 डिवाइड बाई 720, 83 डिवाइड बाई 764 ये आ जाएगा, 71 डिवाइड बाई 753 ये आ गया, 84 डिवाइड बाई 743 ये आ गया, ऐसे ही 1085 डिवाइड बाई 14830 ये आ गया। उसके बाद एवरेज सैंपल साइज क्या है, सम ऑफ इंस्पेक्टेड पार्ट यानी कितने थे टोटल, 14883 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज ये आ जाएगा। एवरेज सैंपल साइज कितने हैं, मतलब ये मान सकता हूं मैं जो सैंपल साइज ले रहा हूं उनका एवरेज कितना है 20 दिन का, वो आ गया इतना 741.5। उसके बाद मैं निकालूंगा एवरेज प्रोपोर्शन डिफेक्टिव, जो ये निकला था कितना है 0.0732, यही आपका क्या है सेंटर लाइन है किसका, कंट्रोल चार्ट का। उसके बाद मैं अपर कंट्रोल लिमिट निकालूंगा, पी बार यहां रख दूंगा प्लस 3, पी बार यहां रख दूंगा, पी बार यहां रख दूंगा, ये क्या है पी बार, और n, n क्या है एवरेज सैंपल साइज पुट कर दूंगा, रख दिया, यहां से अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी कितनी है 0.1019। उसके बाद लोअर कंट्रोल लिमिट निकालूंगा, यहां प्लस की जगह माइनस पुट कर दूंगा, बाकी सेम है, लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी। उसके बाद सेंटर लाइन आपकी निकल गई, इनको मैं चार्ट में शो कर दूंगा। लोअर कंट्रोल लिमिट निकल गई इतनी, तो लोअर कंट्रोल लिमिट को मैंने चार्ट में शो कर दिया, अपर कंट्रोल लिमिट को मैंने चार्ट में शो कर दिया, उसके बाद सेंटर लाइन को मैंने चार्ट में शो कर दिया। उसके बाद पहले दिन जो आया था उसका प्रोपोर्शन डिफेक्टिव पार्ट कितना था, यानी प्रोपोर्शन डिफेक्शन डिफेक्टिव कितने हैं 0.0653, उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया। दूसरे दिन का प्रोपोर्शन डिफेक्टिव कितना था 0.1086, यहाँ शो कर दिया। तीसरे दिन का यहाँ शो कर दिया, चौथे दिन का यहाँ शो कर दिया, पांचवें दिन का यहाँ शो कर दिया। ये काम करता जाऊंगा, सबको मैंने चार्ट में शो कर दिया। चार्ट में शो करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला कि एक तो अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, एक लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। जो आपके प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर हो सकता है जो ऑपरेटर है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, या फिर जो रॉ मटेरियल है वो डिफेक्टिव आ रहा होगा, या फिर कोई मशीन की सेटिंग चेंज हो गई है, मतलब कोई बड़े मेजर कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो इसलिए आपके प्रोडक्शन सिस्टम को सही करो। अगला चार्ट है सी चार्ट। सी चार्ट में जो सैंपल साइज होता है वो फिक्स होता है,
जैसे मैंने देखा था पी चार्ट में, पहले दिन गया था सैंपल साइज अलग ले रहा था, दूसरे दिन अलग सैंपल साइज ले रहा था, उसके अगले दिन अलग सैंपल साइज ले रहा था, बट सी चार्ट में जो सैंपल साइज ले रहे हैं वो फिक्स होता है, या तो 1000 ले लो या 2000 या 1500 या 500, वो डिपेंड करता है भी जांच करने वाले पे। तो मैंने क्या किया, पहले दिन गया, वही प्रोडक्शन सिस्टम, उसके अंदर प्रोडक्ट बन रहे थे, मैंने पहले दिन गया, उसमें से मैंने 1000 सैंपल साइज ले लिया, मतलब 1000 प्रोडक्ट उठा लिए, जांच करी, 27 प्रोडक्ट डिफेक्टिव थे। अगले दिन फिर 1000 प्रोडक्ट लिए, उनमें से 32 प्रोडक्ट डिफेक्टिव थे। अगले दिन फिर 1000 प्रोडक्ट उठाए, उनमें से 24 प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकले। अगले दिन फिर 1000 प्रोडक्ट है उनकी जाँच करी, तो 31 प्रोडक्ट इफेक्टिव निकले। ये काम मैं करता जा रहा हूँ, यानी ये काम मैंने कितनी बार किया है, ये काम मैंने 30 बार किया है। 30 बार करने के बाद में मैंने क्या किया, जितने भी डिफेक्टिव थे उन सबको मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट काउंट, यानी सी बार। सी बार है क्या, सम ऑफ डिफेक्ट काउंट, मतलब कितने टोटल, जितने दिन मैं, जितनी बार मैंने सैंपल साइज लिए थे उसमें टोटल कितने डिफेक्टिव पार्ट्स आए थे, यानी 1006, ये हो गया सम ऑफ डिफेक्ट काउंट रख दिया। नंबर ऑफ लॉट्स, मतलब मैंने कितनी बार सैंपल जो उठाए थे जांच करने के लिए, वो यहाँ पे रख दिया 30 बार, तो ये आ जाएगा सी बार। सी बार को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा अपर कंट्रोल लिमिट। लोअर कंट्रोल लिमिट को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सी बार प्लस की जगह माइनस रखूँगा, 3√C बार, यानी लोअर कंट्रोल के लिए यहाँ पे माइनस होगा, ये देख लो, ये आ जाएगा लोअर कंट्रोल लिमिट। और सेंटर लाइन क्या होगी, जो सी बार है वही सेंटर लाइन है, अपर कंट्रोल लिमिट को, लोअर कंट्रोल लिमिट को और सेंटर लाइन को चार्ट में शो कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जो पहली बार सैंपल लिया था उसमें कितने डिफेक्टिव आए उनको चार्ट में शो कर दिया, दूसरी बार कितने सैंपल लिया था उसमें 32 डिफेक्टिव आए थे चार्ट में शो कर दिया, तीसरी बार 24 डिफेक्टिव आए थे शो कर दिया, पाँचवीं बार, चौथी बार 31 डिफेक्टिव आए थे शो कर दिया, पाँचवीं बार 42 डिफेक्टिव आए थे दर्शा दिया, छठी बार 38 डिफेक्टिव आए थे दर्शा दिया। इस तरीके से नंबर ऑफ लॉट दे रखे हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी डिफेक्टिव आ रहे हैं उनको मैंने चार्ट में शो कर दिया, तो फाइनल मुझे ये है मिला कि जितने भी डिफेक्टिव आ रहे हैं वो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट तो डिफेक्टिव आ नहीं रहे, तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन सिस्टम है, वो कंट्रोल में है। इस तरह अपन सी चार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरा आज का जो टॉपिक है सी चार्ट के साथ ही समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।